वी बोथ हैड मतलब मैं और साकेत फोर स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड फोर एग्स एंड उसके बाद उसने अपने ब्रेड पीनट बटर के साथ खाए सो इवन आई फेल्ट लाइक हैविंग सो आई कुडंट टू मोर स्लाइसेस पहले मेरा रेशियो बहुत छोटा होता था लाइक द अमाउंट ऑफ पीनट बटर ऑन वन टोस्ट यूज्ड टू बी वेरी स्मॉल अभी मैं धीरे धीरे उसको बढ़ा रहा हूँ एंड नाउ आई सी मसलब्लेज चॉकलेट पीनट बटर के 100 ग्राम्स में आपको मिलेंगे 19 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ सैटिस्फाइंग योर क्रेविंग्स इसे परचेस करने के लिए गो टू द डिस्क्रिप्शन क्लिक द फर्स्ट लिंक एंड यूज माय डिस्काउंट कोड RN30 बाय द वे मैंने ऑमलेट खाना स्टार्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ सनी साइड अप आई कीप स्विचिंग इफ यू रिमेंबर अभी वो स्विच का स्पीड थोड़ा बढ़ गया है बिकॉज आई हैव गॉट टू बोर्ड विद दैट मील आई डोंट एंजॉय इट एट ऑल अभी हर दो दो दिन में मैं स्विच करता रहता हूँ दैट्स अ गुड टिप लाइक अभी आई डोंट थिंक एनीवन गेट्स एक्साइटेड अबाउट एग्स तो अगर तुम लोग को थोड़ा सा डोपामिन भी अलाइव रखना है यू कैन कीप स्विचिंग एवरी डे ऑल्सो जस्ट ट्राई डिफरेंट डिफरेंट थिंग पोस्ट एग्स ऑल्सो देना पोस्ट बॉइल्ड एग्स हाँ उसका योक इज डैम बैड वाइट्स आर गुड या एंड इट स्मेल्स ऑल्सो डैम बैड बट हाँ जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट डिफरेंट एग्स पोस्ट एग्स है जो मैंने नहीं ट्राई किया यू फ्राइड आई डोंट थिंक यू लाइक दैट यू फ्राइड इट ना हाँ इसने ट्राई किया अंडे डालता है इन द वॉटर हाँ मतलब ट्राई किया है बस ट्राई किया है बट इज इट हाफ एज गुड एज नाउ मैगी इज गुड ब्रो I think it's 300 calories for a serving. Yeah, and protein is also not bad. Huh? How much? But that's very shitty protein, bro. Yeah, I don't think it completes the amino acid profile. That must be the trace protein compilation, na? But if you're saying ki it's still a lot, that's thoda impressive. 12-15 grams soda. 12-15 grams? For sure. Bro, 1 second. I think. 12 grams? I took a like Maggie mein sirf It's not that much bro, it's a lot to eat for 12 grams Bro wait Maggie noodles 70 It has 6.4 grams of protein bro But 2 servings you have na always So 12 grams For 600 calories 13 grams of protein That's the rate It's decent though It's pretty For a cheat meal Yeah it's okay मैगी इज गुड टुडे वी आर गोइंग टुगेदर हम यूजुअली सेपरेट व्हीकल्स में जाते हैं जब भी ये स्लीप ओवर के लिए आता है ही कम्स इन हिज कार एंड देन इसीलिए मैं शॉक हो गया ब्रो क्या आई थॉट कि तू अपनी गाड़ी लेके जाएगा नहीं आई विल कम इन अ रिक ब्रो दैट इज द थिंग ना ब्रो यूजुअली तू नहीं एग्री करता नहीं करता हूं ब्रो अरे यू हैव समथिंग सम टाइम्स यार यू हैव हेडफोन्स ऑन नो दैट्स व्हाट स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट एंड आई न्यू दैट आई जस्ट हैड टू गो टू माय रूम टू गेट इट बट आई वाज क्लोजर टू द मेन डोर सो आई जस्ट वॉक्ड ऑफ दैट्स नॉट गुड लॉजिक ब्रो हां नो नो ब्रो आई न्यू एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो ना वाज इन योर फेवर पता नहीं अभी ठीक है नाउ यू हैव टू सिट इन साइलेंस हां बट साथ में जाने में मजा आता है बिकॉज़ इन दैट हाइप बिल्ड्स अप अब तुझे अपने नहीं तो बहुत दूर दूर ऐसा लगता है इसका आवाज सुनना पड़ेगा रिक्शा में एंड मेडिटेट लाइक अ सेंट आई डू विम ऑफ ऑर्डिनरी मूव ऑन दैट रिक्शा विल फ्रीक आउट ही टेक यू टू अ हॉस्पिटल व्हाट इफ विम ऑफ इज ओनली ये सूट है ब्रो आई कैन सी हिज फेस इनसाइड अ रिक्शा बनाना इज द बेस्ट फ्रूट एम का मेंबरशिप खत्म हो गया एड गोड़ा वन मंथ मेंबरशिप अभी इवॉल्व इज ओपनिंग इन 3 days सो आई गेस आई विल गेट अ डेली पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट 2 days आई रियलाइज आई फॉरगॉट माय शूज बट लकीली साकेत के डिक्की में शूज है बहुत शूज है मतलब स्पोर्ट्स शूज है अरे बाप रे दीज माइट बी बिग इट्स ओके ब्रो नहीं आई थिंक इट्स फाइन यार फॉर द ट्रेनिंग हम दोनों का शू साइज भी बहुत अलग है आई थिंक -8 उसका 10 या 11 हाँ 8.5 मैक्स 10 ब्रो तो आज मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा वार्म अप किया यूजुअली इज जस्ट विद द डंबल्स एंड मे बी अ लिटिल बिट ऑफ दैट काइंड ऑफ रोटेशन बट आज मैं केबल मशीन पे गया इंटरनल एक्सटर्नल आई डिड एवरीथिंग स्टिल फील्स अ लिटिल ऑफ बट वार्म अप कर करके इट्स गेटिंग थोड़ा बेटर नाउ जस्ट टू बी कॉशियस आई व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू 30 और 25 10, 20, 30 ना अभी 35 नहीं है बट 25 ना हाँ या यूजली आई डू 10, 20, 30 बट आज 25 करता हूँ पता नहीं यहाँ के डंबल्स में क्या है ऐसा
everything feels 3 kgs heavier. तो साकेत ने अपना स्मिथ मशीन प्रेस सैक्रिफाइस कर दिया है जस्ट टू वर्कआउट टुगेदर. वो दूसरे रूम में शिफ्ट कर लिया उन्होंने, सारा रीअरेंज कर लिया इक्विपमेंट, सो वी आर जस्ट डूइंग इंक्लाइन टुगेदर. ये बहुत टाइम के बाद कर रहा है गाइस इंक्लाइन, है ना? नहीं, मैंने नील के साथ किया था लास्ट पुश. हां, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट रियली डू इट. या ही हेट्स इंक्लाइन. सॉरी ब्रो, आई एम गेटिंग स्कैर्ड विद दिस. व्हाट्स द यू नीड टू गेट हाइप. व्हाट्स द गोल, रैप गोल? फेलियर ब्रो. All sets to failure. All sets to failure. Bro. Train hard. 10. No more training like a pussy. Chal bro. Up. 1. 2. 5. Come on. 6. 7. मुझे सेकंड सेट में फर्स्ट सेट से ज्यादा कैसे मिले? फर्स्ट सेट यू डिडंट स्कोर फेलियर. या फर्स्ट सेट आई थिंक आई हैड वन और टू मोर. अच्छा, चक्कर आया है ब्रो, वेरी लाइट हेडेड. अमेजिंग, टाइम टू ट्रेन हार्ड. आज मैं अपने ईयरफोन्स भी भूल गया एंड आई थिंक ऑन द डेज दैट आई ट्रेन अर्ली लाइक 12-1 बजे, उस दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए ईयरफोन्स, बिकॉज आई स्टार्ट फीलिंग काइंड ऑफ डिजी एंड यहाँ का म्यूजिक भी समटाइम्स इज गुड समटाइम्स इज बैड. ब्रो, व्हेन यू गो नाउ इट्स एक्चुअली गुड. दे प्ले मार्टिन गैरिक्स एंड ऑल. या इवनिंग में अच्छा रहता है, अभी थोड़ा इशू है. ओके, थर्ड सेट अगेन वी ट्राई इट. काफ़ी रेस्ट कर लिया. Fuck bro, my hips started cramping almost. Good set. Look painful. You know sometimes extra leg drive ho jata hai. You almost feel like cramp. I had to remove my legs off the floor. I could feel ki one more second if it stays there then. यहाँ पर दो केबल मशीन है, एक वहाँ पे है, एक यहाँ पे है. एंड दिस वन इज अ लिटिल वाइडर. एंड हमेशा जब व्हेन इट कम्स टू डूइंग फ्लाइज आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ केबल मशीन, क्योंकि इसेंट्रिक पे इंस्टेड ऑफ गोइंग बिहाइंड इट काइंड ऑफ गोज टूवर्ड्स द साइड एंड बैक. जस्ट अच्छा स्ट्रेच मिलता है अगर वाइड मशीन हुआ, अगर ज़्यादा नैरो हुआ तो इट्स वियर्ड. जस्ट माई एक्सपीरियंस. Come on, more. Chal Aryan. Push bro, you've got more. Focus. Go. Finish it. One more. You have one more. Jayega. And push.
finish it. Oh fuck, that's failure, bro. क्या सेट था ब्रो, क्या सेट था. गुड जॉब ब्रो, व्हाट अ सेट. नाउ आई एम मोटिवेटेड टू गो एक्स्ट्रा हार्ड. कम ऑन, पुश. वन मोर. नहीं, ओके, दैट्स गुड. ओ क्या, नहीं, दैट वाज बियॉन्ड ब्रो, बियॉन्ड फेलियर. ओके, चेस्ट के दो मूवमेंट हो गए. अभी आई एम गोइंग टू रोज एंड देन इसके बाद आई गेस आई डू चेस्ट प्रेस मशीन. चेस्ट को थोड़ा सा रेस्ट देना है. इट वॉज एक्सप्लोडिंग. आई डिड 3 सेट्स ऑफ इंक्लाइन एंड देन 4 सेट्स ऑफ केबल फ्लाइज. प्रॉब्ली नॉट टू बैक मूवमेंट्स एंड देन आई विल डू द चेस्ट प्रेस और आफ्टर रोज. आई डोंट नो माय लोअर. हैव यू डन दिस? या. डज योर लोअर बैक स्टार्ट गेटिंग फटीग? इट डज. दैट्स व्हाई आई डू अराउंड. अच्छा. I think this is too heavy. मैंने पिछली बार से 5 kg बढ़ाया. 75 now. I think वापस कम करूँगा. My form was really going off. तो साकेत को ये नहीं पता था कि ये जो मशीन है चेस्ट प्रेस का, इट्स एडजस्टेबल. तो वो एकदम आई थिंक यहाँ पे करता था एंड विच इज़ आई यस्टरडे ही केम टू मी एंड ही सेड कि ये ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता मशीन एंड मेरे को अच्छा नहीं लगता. देन आई टोल्ड हिम कि इट्स एडजस्टेबल एंड वो एकदम आगे वाले सेटिंग पे कर रहा था. एंड देयर आर 3. ही क्लेम्स कि उसने ढूंढा कि कहाँ है, बट इट्स लाइक राइट हियर सामने. बट यूजुअली द एडजस्टेबल थिंग इज नॉट इन दिस पार्ट ना, इट्स हियर ना समवेयर. इट्स हियर. या. हाउ मनी आई गॉट? 7. 7 or 8. हाँ, अभी मेरे चेस्ट का आई थिंक एक सेट बचा है एंड बैक आई एम सपोज टू डू 10, बट आई थिंक आज 8-9 करता हूँ. आई एम डन विथ 5. अभी बीच में हम लोग चेंजिंग रूम गए थे जस्ट टू पोज एंड गेट फ्लेक्सिंग फुटेज बिकॉज हमारा पंप अच्छा था एंड वी डिडंट वांट टू गो. एंड देन 5-10 minutes वी स्पेंड देयर और मुझे लगा कि मेरा भी वर्कआउट हो गया है, तो मैं जूते वूते निकालने लगा. देन साकेत रिमाइंडेड मी कि नहीं हुआ उसका, हो गया ऑलरेडी. ही हैड चेस्ट एंड शोल्डर्स. Shoulders, how many sets you do in total? 5-6. 20-20 reps each. Yeah. हाँ, इसने वो lateral raise machine के 5 sets किए of 20-20 reps each. I've never even tried that machine. मुझे lateral raise machine शुरू से unappealing लगता है. But I tried a few reps of this, it's good. I've not seen this one, I've seen those ones. Ones look damn bad. Also, बीच में यहाँ पे white lights चालू किए थे. Right now there are yellow lights on. And I prefer yellow lights only because यहाँ के जो white lights है वो बहुत spread out है. Like दीज बार्स ऑफ लाइट, तो पूरा जिम बहुत इवन लाइटिंग फैल जाता है जिम में. एंड येलो लाइट्स इज़ वेरी फोकस, लाइक दिस टाइनी डॉट्स, तो फिजिक लुक्स क्रेजी इन माई ओपिनियन इन येलो लाइट. इसको वाइट लाइट पसंद है ज़्यादा बिकॉज ऑफ वाइट बैलेंस एंड केल्विन स्केल.